एक समय की बात है, चुलबुल नाम की एक छोटी शरारती और फुर्तीली गिलहरी रहा करती थी। पलक झपकते ही वो पेड़ के ऊपर और पलक झपकते ही नीचे। कभी वो अपने छोटे पैरों पर खड़ी हुआ करती थी तो कभी चिड़िया के पीछे दौड़ती। एक दिन चुलबुल पेड़ की एक शाख पर बैठी अखरोट खा रही थी। अचानक उसकी नजर अपनी पूंछ पर पड़ी। चुलबुल ने खुद से बुदबुदाकर कहा, ऐसी पूंछ का क्या फायदा, इतनी हल्की फुल्की की पता ही नहीं चलता कि है भी या नहीं। चुलबुल बड़बड़ाई, अब मैं क्या करूं? उसने सोचा, मुझे पता है कि अब मुझे डॉक्टर बम्बो के पास जाकर सलाह लेनी चाहिए। और इस तरह चुलबुल अस्पताल जा पहुंची जहां डॉक्टर बम्बो काम किया करते थे। अस्पताल में एक ऐसी अलमारी थी जहां अलग अलग जानवरों के कान, दुम और पैर रखे हुए थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने लिए एक पूंछ ढूंढ लूं? उसने बहुत ढूंढा और आखिर में एक बंदर की पूंछ उसे पसंद आई। जब डॉक्टर बम्बो वहां पहुंचे, चुलबुल कूद कर उनकी मेज पर जा बैठी और बोली, डॉक्टर बम्बो, क्या आप ये बंदर की पूंछ मुझे लगा देंगे? डॉक्टर बम्बो ने चुलबुल को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी। प्लीज प्लीज डॉक्टर बम्बो, आप मेरी पूंछ बदल दीजिए, उसने डॉक्टर से कहा। और फिर डॉक्टर बम्बो ने उसकी पूंछ निकाल कर उसे बंदर की पूंछ लगा दी। ये हुई ना असली दुम, चुलबुल ने चहकते हुए कहा। अब मैं बंदर की तरह पेड़ की शाखों पर लटक सकती हूँ। अस्पताल से बाहर आते हुए वो बोली। पर जैसे ही वो अस्पताल से बाहर निकली, उस पर मुसीबत टूट पड़ी। उसका शरीर भारी हो गया था। उस भारी पूंछ के कारण उसे चलते हुए परेशानी हो रही थी। किसी तरह उसे खींचते और घसीटते हुए वो एक पेड़ तक पहुंची। चलो कुछ देर पेड़ पर चढ़कर आराम कर लिया जाए, चुलबुल ने सोचा। लेकिन वो एक इंच भी ऊपर नहीं चढ़ पाई। वो जैसे ही कोशिश करती नीचे गिर जाती। आखिर में वो थक हार कर नीचे बैठ गई। बिल्कुल नहीं, ये पूंछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे इसे बदलना ही होगा, चुलबुल ने खुद से कहा। और वो फिर से डॉक्टर बम्बो के पास जा पहुंची। क्या आप मुझे कोई हल्की पूंछ लगा सकते हैं? चुलबुल ने बुझी हुई आवाज में डॉक्टर से पूछा। मुझे एक बिल्ली की पूंछ चाहिए, उसने डॉक्टर से कहा। चलो कम से कम ये पहले वाली पूंछ से हल्की है, चुलबुल ने सोचा। बार बार पूंछ बदलने के कारण वो पूरी तरह थक चुकी थी। इसलिए वो एक पेड़ के पीछे जाकर लेट गई और उसे नींद आ गई। अचानक एक जोर के शोर से उसकी आंख खुली। ओह नहीं, उस कुत्ते को लग रहा है कि मैं बिल्ली हूँ, चुलबुल चिल्लाई। कुत्ता उसके पीछे दौड़ने लगा और अपनी जान बचाने के लिए वो भी दौड़ पड़ी। मेरी अपनी पूंछ कितनी हल्की फुल्की थी, मैं उसके साथ कितनी अच्छी तरह दौड़ सकती थी, चुलबुल सोचकर पछताने लगी। गिरते पड़ते वो फिर से डॉक्टर बम्बो के कमरे में जा पहुंची। डॉक्टर बम्बो, प्लीज मुझे मेरी पूंछ वापस दे दीजिए, मुझे किसी की पूंछ नहीं चाहिए, बस अपनी चाहिए, चुलबुल बोली। अब जाकर तुम होश में आई हो, डॉक्टर बम्बो ने मुस्कुराकर कहा। डॉक्टर बम्बो ने खुश होकर बिल्ली की पूंछ निकाली और चुलबुल की पूंछ वापस लगा दी।
चैन की सांस लेते हुए चुलबुल गुनगुनाते हुए अपने घर की ओर जाने लगी। मेरी पूंछ है सबसे अच्छी, इतनी रोमदार और हल्की फुल्की। अब फिर से मैं दिन भर दौड़ लगाऊं, रात में नाच के खुशी मनाऊं, रात में नाच के खुशी मनाऊं।